गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास से हम लोग सेमेस्टर 6 का एक पेपर है, जैसे आपको पता होगा कि पेपर 13 में जो है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सेमेस्टर 6 में आपको चार पेपर पढ़ने थे, पेपर 13 मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर 14 लीनियर अलजेब्रा और DSE 3 जो कि हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन और DSE 4 मैकेनिक्स। तो इन चारों पेपर में से हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का 80% पोर्शन कवर कर रखा है और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस पेपर को 80% करते हैं ताकि धीरे धीरे हम सभी पेपर्स को साथ में बैलेंस करके चल सके, क्योंकि एग्जाम्स का कोई ये नहीं है कि कब अनाउंस होगा सेमेस्टर 6 का एग्जाम, क्योंकि वैसे भी आप लोग का सेशन लेट हो चुका है। तो इसलिए हम लोग आज की क्लास से पेपर 13 मैट्रिक स्पेस शुरू करने वाले हैं। आपको पता है ये पेपर 13 जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज हम लोग पहले मैट्रिक स्पेस पढ़ने वाले हैं और आने वाले 8 से 10-12 क्लासेस में हम लोग मैट्रिक स्पेस को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करेंगे, क्योंकि इसी का हिस्सा है मैट्रिक स्पेस, पेपर 13 का ही पार्ट है। और उसके बाद फिर जो आप लोग कहेंगे DSE 4 या पेपर 14, उसके बाद फिर जो जो पोर्शंस बचा हुआ है, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर होगा कोर्स का, किस तरीके से कोर्स हम लोग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मैट्रिक स्पेस का शुरुआत करें तो मैट्रिक स्पेस हम बता दें कि ये रियल एनालिसिस जो आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े थे, रियल एनालिसिस सेम 3 में भी पढ़े, फिर आपने सेम 4 में भी रीमन इंटीग्रल के एज अ रीमन इंटीग्रल आपने वहाँ भी रियल एनालिसिस पढ़ा, और यहाँ ये जो हम बात करने वाले हैं मैट्रिक स्पेस, ये भी रियल एनालिसिस का ही टॉपिक है। पता है ये मैट्रिक स्पेस आखिर हम लोग पढ़ते क्यों है, सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे। और लेकिन मैट्रिक स्पेस को हम शुरू करें उसके बाद हम बात करते हैं क्या, थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए, पहले हम एक बार कमेंट देख लेते हैं कि सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ हाँ चलिए कोई नहीं। तो फिलहाल देखिए अब हम यहाँ पे शुरुआत करें मैट्रिक स्पेस। पता है ये मैट्रिक स्पेस क्या होता है ना, कि जैसे हमने रियल एनालिसिस में एक बहुत अच्छे तरीके से रियल एनालिसिस में हमने सीखा था रियल नंबर सिस्टम जो होता है, रियल नंबर होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा हमने, वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने अलग से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जैसे कि हम मॉडर्न अलजेब्रा जिसे कहते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने मॉडर्न अलजेब्रा में क्या होता है रियल और इमेजिनरी मतलब दोनों के लिए, वहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए ग्रुप और हम रिंग के बारे में बात कर रखे हैं। लेकिन ये जो मैट्रिक स्पेस होता है वो क्या होता है कि ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्रिज है, रियल एनालिसिस से टोपोलॉजी के बीच एक ब्रिज है। अब ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा कि ये टोपोलॉजी क्या है, जो कि आपको मास्टर्स के सेमेस्टर 1 में पढ़ना है टोपोलॉजी के बारे में। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको टोपोलॉजी थोड़ा सा समझना होगा। तो जो कि हम लोग ये बाद का टॉपिक है, क्योंकि आपको MSc में पढ़ना है तो हम नहीं चाहते कि इस पर डिस्कस करके आपका समय बर्बाद करें। तो सीधा हम लोग आते हैं कि मैट्रिक स्पेस क्या है और मैट्रिक स्पेस को समझने के लिए आपको किन बातों को पहले समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो कि क्या भाई, कि एक हम ग्रुप के बारे में याद दिलाए। ग्रुप आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 3-4 में मॉडर्न अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, रिंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो ग्रुप थ्योरी में आपको पता है कि जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और कोई बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिप है, या एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी, तो क्या बोला गया कि एक ग्रुप और एक बाइनरी ऑपरेशन जी, इस तरीके से जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता था, इसी एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, ग्रुप कहते थे। याद आया कब ग्रुप कहते थे, जब ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करे, कुछ याद आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स की चार प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करे ये, तो ग्रुप कहलाता था। और जैसे जैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे तो कम्यूटेटिव ग्रुप, फिर क्या आप समझ पा रहे हैं कि अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते थे, ठीक है। उसी तरीके से हमने रिंग में भी पढ़ा था क्या, कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट आर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करे तो ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, रिंग कहलाता था। ठीक उसी तरीके से जो मैट्रिक स्पेस भी क्या होता है कि एक पेयर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, एक पेयर्स, कैसा पेयर्स, एक रहेगा सेट और इसके साथ होगा एक मैपिंग डी, इस पेयर्स को ही हम लोग कहते हैं मैट्रिक स्पेस। और ये क्या है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए डी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेसेस भी कहते हैं या मैट्रिक स्पेस भी सीधा सीधा कह सकते हो आप, कि ये क्या है, जैसे हम यहाँ पे बोले कि ग्रुप होने के लिए एक सेम यही कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और डी क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था, ये सब क्या थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन थे, और यहाँ पे ये जो डी है वो एक मैपिंग होगा, क्या होगा, एक मैपिंग, मैपिंग को आप लोग और दूसरे शब्दों में जानते हैं फंक्शन। आया बात समझ में, क्या बोला गया कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, x कोई नॉन एम्प्टी सेट है
और डी क्या है, एक मैपिंग है। और अगर ये मैपिंग इसके एलिमेंट्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तीन चार प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो इस पेयर को हम लोग क्या कह देंगे, इस पेयर को हम लोग कहेंगे कि ये पेयर मैट्रिक स्पेस है। और ध्यान रखना है कि ये डी मैपिंग कहलाता है या फंक्शन कह सकते हैं या फिर इस चीज को मैट्रिक भी कहते हैं, मैट्रिक, ठीक है, क्योंकि पूरा मिलके कंप्लीट मिलके मैट्रिक स्पेस बनता है, सिर्फ इसको मैट्रिक भी कह सकते हैं या फिर इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल अभी ये समझ रहे हैं हम, सिर्फ ये बताएं आप लोगों को कि ये जो पेयर्स होता है एक्स और डी, जहाँ पे डी क्या है, मैपिंग है या फंक्शन कह सकते हैं आप, तो ये पेयर्स क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, कब, जब ये डी कुछ सेटिस्फाई करे। पर ये डी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं आइए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे। फिलहाल अभी एक आइडिया लीजिए, क्योंकि ये पेपर का शुरुआत है तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा स्लो रहेंगे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। जब हम लोग थ्योरम्स वगैरह वहाँ पे करें तो आप वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं थ्योरम्स वगैरह को। तो देखिए, ये एक्स क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था, और डी क्या बोल रहे थे हम कि एक फंक्शन है। और वो जो स्पेशल जो यहाँ पे डी फंक्शन होता है ना, वो क्या फंक्शन होता है कि जिसका जो डोमेन होता है, आपको पता है ये जो डी क्या है किस तरीके से है, जैसे कि अपने पास सेट एक्स है तो ये जो एक डी होता है वो इसी के ऊपर डिफाइन होता है। कैसे, मतलब डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले सेमेस्टर्स में जो लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे उन लोगों को बुलियन अलजेब्रा में, और जो लोग पेपर 11 में देखे थे तो पेपर 11 में फंक्शंस के बारे में बता रखे थे कि फंक्शंस क्या था। तो क्या बोला गया, ये डी क्या है, स्पेशल टाइप्स का फंक्शन है जो कैसे डिफाइंड है, एक्स क्रॉस एक्स। समझ पा रहे, ये पेयर कौन सा था, एक्स और डी, इसी को मैट्रिक स्पेस कह रहे थे, कब, जब ये मैपिंग हो, फंक्शन हो। और ये फंक्शन स्पेशल फंक्शन कैसा था, कि किसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड था, इसी के ऊपर, मींस कि एक्स क्रॉस एक्स से रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइंड है। बात आया समझ में, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो सेट को कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, एक्स क्रॉस एक्स का, और ये क्या है, रियल नंबर है, तो ये जो मैपिंग हो गया इसी मैपिंग को कह रहे हैं डी। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, या ये क्या हो गया, डी हो गया, जैसे कि हम एक कोई सेट ले लें, एक्स ले लें, जैसे कि हम बोल दें एक्स कोई एलिमेंट है 1, 2 और 3 बोल दें, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है एक्स क्रॉस एक्स का, एक्स क्रॉस एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, एक सेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, 1, 2, 3 के साथ, तो आपको पता है क्या होगा, 1, 1, समझ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा रिजल्ट में जो आएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। तो ये एक्स को एक सेट ले लिए, और इस तरीके से, और अगर हम एक मैपिंग डिफाइन कर दें, क्या हम अगर एक ऐसा मैपिंग डिफाइन कर दें जो इसके ऊपर डिफाइंड हो, कि उस मैपिंग के अंदर जो वैल्यू पुट हो, इसमें से कोई एक वैल्यू पुट हो और रिजल्ट में कुछ मतलब आउटपुट आए। हम जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट बोल रहे हैं कि हम एक डी डिफाइन कर दिए, जो कि किस तरीके से डिफाइंड है, देखिए, जो कि डिफाइंड है एक्स क्रॉस एक्स से आर। ये फंक्शन का डोमेन और ये कोडोमेन है, ठीक है, और इसका जो रूल है वो रूल क्या है कि दिस इज डिफाइंड बाय डी, डिफाइंड बाय हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि डी के अंदर जैसे ही आप ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट डालेंगे, और डी के अंदर हमेशा और हमेशा ऑर्डर पेयर्स का ही एलिमेंट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है डी का किस पे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पुट जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ऑर्डर पेयर्स पे आता है। तो क्या बोल दिए कि यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं ऐसा कि डी इज डिफाइंड बाय एक्स प्लस वाई। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम क्या बोल दिए कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, हम क्या बोल दिए कि एक्स प्लस वाई है, जैसे कि हम बहुत बार कह सकते हैं इस चीज को कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम बोल दिए एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक रूल है, रूल है मींस कि एक मैपिंग है, एक फंक्शन है, उसी तरीके से हम बोल दिए कि एक फंक्शन अपने पास है दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई, मींस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप में इसमें वैल्यू पुट हो सकते हैं, और इसका हम बोल दिए कि जो भी रिजल्ट होगा ये रूल है इसका, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ठीक, उसी तरीके जैसे आप एक्स वाई कह दिए, तो अब देखिए जरा वैल्यू क्या होने जा रहा है। तो ये जो हम यहाँ पे जो डी लिखे हैं वो इसका इनपुट तो बोल दिए कि ये एक्स वाई है, मींस कि इसी में से कोई है, और अगर आउटपुट बोल दे रहे आर, समझ पा रहे हो आप। तो देखिए जरा क्या आएगा रिजल्ट, देखिए तो यहाँ से आप इसके लिए अगर बात करेंगे, ये जो हम यहाँ पे रूल डिफाइंड किए हैं, ये जो पिछला सेमेस्टर्स में हम फंक्शंस के बारे में बता रखे थे, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कि जो हम यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई बता रखे हैं, जो एक्स प्लस वाई का रूल है, अगर इसके ऊपर देंगे तो क्या होगा, मीन्स की डी ऑफ 1, 1 देंगे, तो ये जो हम रूल डिफाइंड किए हैं कितना आ रहा है वैल्यू, 1+1 आ रहा है, मीन्स की फाइनल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी ऑफ 1, 2 देंगे कितना जगह, 3 आ जाएगा। तो मतलब आपने देखा कि हम जो यहाँ पे फंक्शन लेकर के चल रहे हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है कि x क्रॉस x से R में डिफाइंड, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं क्या, देखिए इस चीज को हम अभी सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि x और d
ये जो पेयर है कंप्लीट पेयर आपका मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, कब, जब डी क्या हो, मैपिंग हो, कहां से भाई, तो एक्स क्रॉस एक्स से आर में हो। तो अभी देखा मैंने आप एक मैपिंग, हमने एक एग्जांपल मैपिंग लेकर के बताया, एक सेट हम एग्जांपल के लिए लिए थे, एक मैपिंग हम बना दिए थे कि वो एक्स क्रॉस एक्स से आर में जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे मैपिंग बनाए जा सकते हैं, है ना। तो क्या बोल दिए कि एक डी कोई मैपिंग है, इसमें ऐसा हो, और क्या होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए ये मैपिंग, और अगर ये मैपिंग कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस पेयर को हम कह पाएंगे कि वो मैट्रिक स्पेस है। तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि डी के अंदर, जैसे ही अभी डी के अंदर हम क्या पुट कर सकते थे, अभी मैंने आपको बताया कि डी के अंदर आप ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट पुट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि डी डिफाइंड ही एक्स क्रॉस एक्स से। तो डी के अंदर जैसे ही आप एक्स वाई देंगे तो जो भी होगा इस एक्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी मेंबर्स होंगे वो हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे हमने एक फंक्शन अभी एग्जांपल्स के लिए ले रखा था डी ऑफ, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए फंक्शन लिया था तो हमने रख दिया था एक्स प्लस वाई। तो आप देखें कि हम कुछ भी यहाँ पे जो अपने पास जो सेट गिवन था, याद है 1 2 3, ये जो सेट गिवन था उसके लिए कभी भी किसी भी केस में ये नेगेटिव नहीं होता, मतलब हमेशा और हमेशा प्लस होता। तो रूल क्या कहता है कि ये चीज मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, कब, जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, किसके लिए, एक्स के सारे वैल्यूज के लिए, समझ पा रहे हैं, कि कोई भी एक्स का वैल्यू, चूंकि दोनों तो सेट एक्स सेम ही है तो इसलिए लिख सकते हो आप क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मींस कि सारे वैल्यू जो भी आप पॉसिबल इनपुट पुट कर सकते हैं सभी के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो आना चाहिए, पहला कंडीशन। क्लियर क्या हुआ जी? चलिए बहुत अच्छा। तो पहला कंडीशन क्या, डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कब जीरो हो जाए, ये तब जीरो हो जब एक्स आपस में इक्वल हो जाए वाई के। हम इस चीज को समझाएंगे बहुत अच्छे से कि ये डिस्टेंस फंक्शन भी इस चीज को हम कहते हैं, क्यों कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन, आगे बताएंगे। फिलहाल हम क्या बोले कि डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो हो जाता है, डी ऑफ एक्स वाई मीन्स की इनपुट डाल रहे हैं और अगर वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब एक्स इक्वल टू वाई हो, मतलब कि जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। जैसे अभी एक एग्जाम्पल्स के लिए हम बात कर रहे थे 1 1, तो अब जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे फंक्शन वो 1 1 के हिसाब से वो तो ऐड कर दे रहा था तो 2 हो जा रहा था, तो मतलब वो इस सेकंड वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये सेकंड कंडीशन क्या कहता है मैट्रिक स्पेस होने के लिए, कि डी ऑफ एक्स वाई अगर आपस में ये दोनों इक्वल है तो वैल्यू कितना आना चाहिए, दोनों डिस्टेंस फंक्शन जब लगाएंगे तो वैल्यू जीरो आना चाहिए, आई बात समझ में। और दूसरा क्या, इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा और अगर इक्वल है तो ये होगा, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि आप निकालिए डी ऑफ एक्स वाई निकालिए और ये बराबर हो किसके, डी ऑफ वाई एक्स के, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे भी क्या, ये भी किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। और ये क्या कहता है, ये सिमेट्रिसिटी की, डी ऑफ एक्स वाई निकालिए, मतलब समझ पा रहे हो आप, कि अगर डी ऑफ 1 2 बोला जाए आपसे, देखिए डी ऑफ 1 2 बोला जाए या डी ऑफ 2 1 बोला जाए, वैल्यू सेम आना चाहिए, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इस ये भी किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो बड़े अच्छे समझाएंगे। और एक अंतिम क्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के लिए ये नंबर 4 और अंतिम है, यही फिर से हम समझाएंगे तो चिंता नहीं करना है जिनको समझ नहीं आया। तो क्या होता है, इसके लिए होता है कि आप 3 नंबर्स लीजिए कोई एक्स से, एक्स से ही सारा वैल्यू लेना है, एक्स वाई और जेड, कोई 3 नंबर ले लीजिए एक्स से, ठीक है। और उसके बाद किसी 2 का आप 2 के ऊपर डिस्टेंस फंक्शन लगाइए, मीन्स की एक्स वाई, और ये हमेशा और हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एक्स जेड प्लस जेड वाई, जेड वाई। अभी जब अच्छा इस चीज को क्या कहते हैं, ये किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और इसी चीज को कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, लिख दीजिए ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या होता है। ये कहता है कि कोई भी 3 मेंबर ले लीजिए एक्स वाई जेड, और इसमें जो होता है ना कि किसी भी 2 का जो डिस्टेंस होगा, अदर 2 बच रहा है, जो 2 का जो, जैसे एक्स वाई ले लिए तो अदर कौन कौन बचा, एक्स जेड बचा, वाई जेड बचा, आया बात समझ में। फिर से समझिए, अगर आप एक्स वाई ले लेते हैं तो क्या क्या बचा, एक्स वाई ले लिए तो एक्स जेड बचा और वाई जेड बचा, तो एक्स जेड बचा और वाई जेड बचा, जेड वाई या वाई जेड एक ही चीज है, क्योंकि अभी हमने सिमेट्री में देखा था कि एक्स जेड लिखिए या वाई जेड लिखिए, एक ही बात है। तो क्या होता है कि अगर किसी एक का और 2 अलग जो बचे हैं उनका सम हमेशा सिंगल वाला छोटा होता है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज इसलिए कहता है क्योंकि आप इस चीज को ट्रायंगल पे देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। मान लेते कोई एक ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे हम बोल दिए ए बी सी, तो ट्रायंगल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था कि किसी भी एक साइड का, मतलब मान लेते कोई एक साइड का किसी एक साइड का डिस्टेंस बाकी बचे दोनों साइड्स के सम से हमेशा लेस देन होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी,
जो वो होगा ये भी जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लेस देन होगा किससे, बाकी दो के सम से, मतलब ए सी प्लस बी सी हमेशा लेस देन होगा। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ए सी है, या फिर आप बीच में सी कर दो, यहाँ पे बी कर दो आप, तो ये जो ए बी है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, ए बी जो होगा पूरा ए बी जो होगा वो बराबर हो किसके, ए सी प्लस बी सी के। ए सी देखिए ए बी जो है पूरा ए बी जो है बराबर होगा ए सी प्लस बी सी, मतलब समझ पा रहे कि पूरा ए बी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के, तो वही चीज। तो एक केस में अगर सिर्फ आप तीन पॉइंट ले रहे हैं, एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तो एक केस में जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तब तो इक्वल हो सकता है, और अगर कोलिनियर ना हो एक ट्रायंगल होता तो क्या होता, लेस देन होता। तो इस दोनों को मिला करके फाइनली आप क्या कर पा रहे हैं कि अगर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, क्या होता है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अगर कोई दो का लेते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स वाई ही, अगर आप एक्स जेड लेते हैं तो बाकी जो दो बचेंगे पेयर्स में उनका जो डिस्टेंस फंक्शन जो वैल्यू जाएगा फंक्शंस का वो सम करेंगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बहुत अच्छा हैप्पी, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, ताकि आप बहुत अच्छे से इस पे कमांड कर पाए, ताकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम ये क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे हम एक्स वाई जेड बोले, अगर ये एक्स से लिए तो क्या भाई किसी दो का ले लीजिए आप, अगर हम इसका ले लेते हैं इसकी डी ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा। इसका ले लिए तो बचा कौन कौन, बचा एक्स जेड बचा और वाई जेड बचा, तो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये बचा डी ऑफ एक्स जेड और जेड वाई या वाई जेड कर दीजिए। या फिर इसी चीज को आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते थे कि अगर एक्स वाई जेड आपने लिया है एक्स से, आप अगर इसको लेते हैं क्या भाई डी ऑफ वाई जेड लेते हैं, तो अगर ये चीज ले ली तो बचा कौन कौन, ये लेस देन इक्वल टू हुआ, एक अकेला लेस देन हुआ किसके, एक्स जेड और वाई सॉरी एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई के प्लस जेड एक्स के डी ऑफ जेड एक्स या एक्स जेड। तो उम्मीद है ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लियर। तो अब थोड़ा सा आइए हम लोग रिकॉल करते हैं एकदम शुरू से, और उसके बाद हम एक एग्जांपल्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता क्या है, आइए ठीक है। मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि एक कोई एनएमटी सेट और एक कोई मैपिंग डी, और मैपिंग डी क्या है, डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ये क्या है मैपिंग है, और कैसे डिफाइंड अभी मैंने आपको समझाया। तो ये जो पेयर है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पेयर है एक्स डी, यही एक्स डी मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, ठीक है। ये जो पूरा पेयर बन रहा है एक्स डी का, ये पेयर मैट्रिक स्पेस कहलाएगा कब, जब ये मैपिंग इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, इसको और इसको, इन चार प्रॉपर्टी को अगर ये डी सेटिस्फाई करता है तो ये मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। और सिर्फ अगर डी का बात करेंगे तो ये डी अगर इन चारों को सेटिस्फाई करता है तो इस डी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक, मैट्रिक क्या कहते हैं मैट्रिक। अब एक चीज यहाँ पे आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब भी कभी भी लोग डिस्टेंस का बात करते हैं तो क्या कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, क्या कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हम इस फंक्शंस का वैल्यू का बात करेंगे तो इस फंक्शंस का वैल्यू आप कुछ भी इनपुट डाल दीजिए, मीन्स की अगर इस फंक्शन ये जो डी का बात करें, इस मैट्रिक स्पेस में इस डी का जो बात करते हैं हम लोग क्या बात करें, अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो डी ये क्या होगा सभी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये सभी को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक तो बोलते ही है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। क्या बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो ये सेटिस्फाई करेगा, और ये सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इस डी का वैल्यू कुछ भी इनपुट डाल दीजिए नेगेटिव नहीं होगा, मतलब डी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या होता है हमेशा डिस्टेंस फंक्शन के जैसा ट्रीट करता है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसे हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। और 80% केसेस में ये हमेशा डिस्टेंस को ही बताता है, समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 हो 5 हो तो ये 1 और 5 के बीच का डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है 80% केसेस में, लेकिन हर जगह सिर्फ डिस्टेंस को ही बताए ऐसा जरूरी नहीं है। तो समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से कहते हैं। अब एक बार सबसे पहले आप लोग डेफिनेशंस देख लीजिए ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, हम आप हालांकि डेफिनेशंस आपको समझा चुके हैं कि डेफिनेशंस यहाँ पे क्या है। अब आप लोग एक बार डेफिनेशंस देखिए, यहाँ पढ़िए डेफिनेशंस क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और मैपिंग डी डिफाइन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेट टू बी मैट्रिक फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, क्या बात हो गया इफ एंड ओनली इफ, देखिए वहाँ पे जो थोड़ा सा है ना दो ये क्या लिख दिया हम वहाँ पे मिस्टेक्स है उसको करेक्ट कर लेंगे, हमने वहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली, हम ये चीज लिख दिए उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इफ होना चाहिए, हम यहाँ पे एक डबल एफ दे दिया, ये सिंगल एफ होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है तो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो क्या बोला गया कि लेट, चलिए आप लोग एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया सभी को अच्छे से।
अच्छा ये कौन है जी, इनको यहाँ से आपको ब्लॉक करने आता है? चलिए जो लोग ये करेंगे कुछ भी ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कैसे करते हैं देखिए, हम सिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए इसको ब्लॉक करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे किए, ऐसे कर दिए ब्लॉक कर दिए, ठीक है। अब किसको ब्लॉक कर दिए? अब जिसको, किसी को भी ब्लॉक मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशंस आप लोग लिख लिए होंगे। डेफिनेशंस क्या था एक बार पढ़ लीजिए कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैपिंग डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेड टू बी मैट्रिक फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दूसरा क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, और एक्स इक्वल टू वाई होगा तो डी ऑफ एक्स वाई जीरो होगा। अब आइए तीसरा क्या, सिमेट्री वाला मैंने बता रखा था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। और थर्ड क्या, ट्रायंगल, सॉरी फोर्थ क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक डी, इस चीज को क्या कहते हैं, अ मैट्रिक डी। क्या बोल दिया गया, अ मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। ये ध्यान रखना, अ मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। अच्छा, दी पेयर एक्स डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। अब यहाँ से आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड का क्या किया जी, कीबोर्ड कहाँ पे है? बताइए वहां। चलिए ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए फोन। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था अपना मैट्रिक, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन कि मैट्रिक होता क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में, और देखिए अभी बहुत सारा चीज इस क्लास में डिस्कस करना है हम लोगों को। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि अब ये हो गया, अब इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ठीक है। इस चलिए इस चीज को लिखिए, इन अदर वर्ड्स इफ इफ डी इज मैट्रिक फॉर एक्स देन देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। And D is called the distance function. D is called the metric or distance function. उम्मीद है ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है। ये क्या हो गया, एक बार आप सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इन चीजों को समझ पाए, मैट्रिक स्पेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग, हाँ डेफिनेशन के बाद लिखना है स्नेहा, बिल्कुल। तो सारे लोग कमेंट करके बनाइए कि मैट्रिक हो गया, मैट्रिक स्पेस समझ में आया। हमको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है। अच्छा ये हम तो ब्लॉक किए ना। अच्छा कौन है ये, आप ब्लॉक किए थे? बताइए राम मूरत, पता है पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं हमारे। और आज बताइए कितने बड़े गधे हो चुके हैं। सही बात है, इसमें इनका गलती नहीं है, हमको तो। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अरे कमेंट कैसे आ सकता है। अच्छा इस चीज को ना हम यहाँ से एक क्या कर देते हैं, अभी देखिए आप लोग, हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन होता है, अलाउ कमेंट्स ही बंद कर देते हैं। कहाँ से होता है जी, पता नहीं, लाइव चैट्स,
क्या होता है एनेबल लाइव चैट्स बंद। अब देखिए तो आप लोग कमेंट जा रहे हैं क्या, सही तो है। अरे ठीक है, आप देखिए तो कमेंट आ रहा है क्या, आप कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट सही है, अब आएगा भी नहीं, बंद कर दिए ना कमेंट, कोई नहीं, बच्चा लोग को डाउट ही नहीं होता है। ये तो हम टेस्ट कर रहे थे कि ये होता है या नहीं होता है, कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कमेंट का मुझे नहीं लगता कोई आ सकता है, ठीक है, कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ये जो डी होगा, अगर ये मैट्रिक होता है, मैट्रिक होने के लिए क्या कंडीशंस होता है, मैट्रिक होने के लिए कंडीशंस होता है कि ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहला क्या, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। फिर सेकंड क्या, आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये एक्स डी एक पेयर जिसमें डी क्या है, अगर मैट्रिक हो जाए, अगर ये डी मैट्रिक हो जाए तो ये ना, और डी मैट्रिक कैसा होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, किसके ऊपर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब ये जाकर मैट्रिक होगा। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं तो जाके बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखिए आप लोग बहुत अच्छे से, और फिर इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं मैट्रिक क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। इससे पहले क्या अभी तक हमने देखा था, हमने देखा था कि डी मैपिंग होता था कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स से एक्स क्रॉस एक्स से आर, तो ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, इसके जगह पर क्या हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर सीधा सीधा आर क्रॉस आर ही हो कि रियल नंबर का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, और कहाँ कहाँ से डी डिफाइंड आर क्रॉस आर से आर पे, समझ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि प्रूव दैट डी डिफाइन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल रखा था आप लोगों के सामने कि डी था एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइंड था, जहां पे एक्स कुछ 1 2 3 का एक सेट था, तो हमने देखा था कि वहां पे हम बोल रहे थे कि डी एक्स वाई कैसे डिफाइंड है भाई, वो था डिफाइन कि एक्स प्लस वाई कर रहे थे हम लोग, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, याद है कि हमने इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करा था कि ये इस तरीके से रूल है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट डी जो है डिफाइंड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय, यहाँ पे किस तरीके से डिफाइंड है, डी ऑफ एक्स वाई जब करेंगे तो वो इक्वल आ रहा है किसके, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई के। जैसे अभी मैंने एक रूल बताया था कि वो जो वहां पे डिफाइंड को ऐसा था कि डी ऑफ एक्स वाई जो था वो एक्स प्लस वाई पे डिफाइंड था, बट यहाँ पे क्या है, एक मैपिंग है जो आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, और क्या है भाई डी ऑफ एक्स वाई क्या, इस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ, अच्छा ये एक और बात कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पता है कि फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ये वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू पुट होता है वो कहाँ से पुट होता है, इस डोमेन से, और डोमेन में किस तरीके का आर क्रॉस आर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जो रियल नंबर्स के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट आएंगे रियल नंबर से ही आएंगे। तो एक्स वाई, तो क्या बोल दिया गया कि जो फंक्शन डिफाइंड है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉम वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आया बात समझ में। हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज मैपिंग डी का रूल दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि इज अ मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से कि प्रूव दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज अ मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट आर। मतलब ये जो डी है, डी जो है क्या है भाई, पूरा का पूरा डी क्या है, वो मैट्रिक है एक्स के ऊपर, और ये पूरा फाइनली क्या बन जाएगा, मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो उसी चीज को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि ये जो डी है वो मैट्रिक है, किसके ऊपर मैट्रिक है, आर के ऊपर, क्योंकि इससे पहले एक्स क्रॉस एक्स होता था, तो हम ये प्रूफ करते थे क्या कि जो यहाँ पे डी है मैपिंग है वो एक्स के ऊपर अगर मैट्रिक हो जाता है, मीन्स की डिस्टेंस फंक्शन फॉलो करता है प्रॉपर्टीज को, तो क्या हो गया, मैट्रिक हो जाएगा, और मैट्रिक होगा तो ये पेयर क्या, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। आइए कैसे कैसे हम लोग इन चीजों को प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में अपने पास गिवन है, गिवन फंक्शन क्या है इस तरीके से, तो लिखिए, सो इसका प्रूफ लिखेंगे,
वी हैव द गिवन गिवन मैपिंग, मैपिंग क्या है भाई, द गिवन मैपिंग डी कहां से कहां है, आर क्रॉस आर से आर इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है कि इसमें जैसे ही आप एक्स वाई दे रहे हैं, इनपुट में एक्स वाई दे रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आ रहा है, किसके लिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें इनपुट क्या देख सकते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर्स, तो जो कि रियल नंबर ही होगा, तो वैसे मेंशन भी कर दिया गया है क्वेश्चन में कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक स्पेस है, मींस की आर डी जो, मींस की डी जो है आर के ऊपर एक मैट्रिक स्पेस है, मतलब ये मैट्रिक है और पूरा पेयर्स जो होगा आर डी जो होगा वो एक मैट्रिक स्पेस बनेगा। आया बात समझ में, हम एक बार यहाँ पे अब कमेंट को अलाउ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अगर कहीं पे कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, हाँ अच्छा ठीक है, हम ना ये चलिए हम ना समीर को यहाँ मॉडरेटर बना दे रहे हैं। अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम ना यहाँ पे अपने चैनल से ब्लॉक ही नहीं कर रहे थे, मेन चैनल से ब्लॉक नहीं कर रहे थे, इसलिए मैसेज आ रहा था, और इस चैनल से ब्लॉक किए जा रहे थे। आप बताइए, वहाँ कंप्यूटर से ब्लॉक करना था ना, कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं कौन है ये, अभिनव थे, अच्छा देख लेते हैं। कहाँ गया, उसको ढूंढ निकालिए, तो उसका देखिए क्या है, डिटेल्स वगैरह कुछ है यहाँ पे, तो हाँ क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग द गिवन मैपिंग इस तरीके से है। अब आपको प्रूफ करना है, तो मैं इसकी चार प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवाने होंगे, एकदम आराम से देखना है, पेशेंस रख के। सबसे पहला मैपिंग प्रॉपर्टी दिखाना है ये कि डी ऑफ एक्स वाई वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव हो, मीन्स कि हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, चाहे आप एक्स और वाई कुछ भी रखें इस रियल नंबर से, क्योंकि ये रियल नंबर के ऊपर मैपिंग डिफाइंड है, मतलब तो ये चीज हमें दिखाना है। आइए उसके बाद सेकंड में क्या दिखाना होता था, सेकंड में ये दिखाना होगा आपको कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो होगा कब, जब अगर जीरो होता है तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि एक्स इक्वल टू वाई, और अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा तो ये बैक इंप्लाइज करेगा, मतलब दोनों को हम दिखाएंगे एक दूसरे को इंप्लाई कर रहा। थर्ड में हम लोग दिखाएंगे कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो बराबर होगा डी ऑफ वाई एक्स के, और फोर्थ में क्या दिखाएंगे, तीन एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई के लिए ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, या वाई जेड कर दीजिए, ठीक है। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। तो अब देखिए ये चीज जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, थोड़ा सा इसके लिए हम आपको, आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बच्चे बार बार यहाँ पे भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम एक्स वाई कैसे लिख दिए हैं, एक्स जेड कैसे लिखे, तो इसी को थोड़ा सा आप समझिए कि आप सीधे से पहले तो तीन नंबर्स लिख लीजिए, एक्स वाई जेड कहाँ से, जिसके ऊपर वो डी आप डिफाइंड है, जिसके ऊपर डी डिफाइंड है, तो ये इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद क्या, ये पहला दो का ले लीजिए, तो क्या हो गया एक्स जेड, उसके बाद क्या, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट, क्या बोल दिए, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट, ऐसे 1 3 2 3, तो देखिए एक्स जेड एक्स जेड फिर वाई जेड, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं, सबसे पहले नंबर वन को, फिर टू थ्री सारे चीज, सारे रिजल्ट को धीरे धीरे प्रूफ करेंगे, फिर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव, क्या हम लोग, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, मीन्स ये पॉजिटिव हो किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, वी हैव नंबर वन दे देते हैं, हमें ये चीज प्रूफ करना है डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, आपको पता है एक मॉडुलस का, हम आप लोगों को एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है। मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं रियल एनालिसिस में, सेमेस्टर टू में पढ़ना है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहते हैं हम लोग, कि नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या होता है कि अगर कोई नंबर एक्स है, पता है, या चलिए हम बात कर देते हैं कि चलिए कोई नंबर एक्स है और इसका हम मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स का मॉडुलस क्या होगा, तो एक्स का मॉडुलस जो होगा वो होता है एक्स, और एक बार होता है माइनस एक्स। तो एक्स का मॉडुलस कब होता है एक्स, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तब क्या होगा, उसका जो मॉडुलस होगा वो एक्स ही होगा, कब ये होता है, जब इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, समझ रहे, और इक्वल टू जीरो होगा तो भी ऐसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा तो ऐसा होगा।
मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि अगर x के जगह पे x जीरो से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब कि अगर x टू रखे तो देखिए x जीरो से बड़ा रखे हैं, तो जब आप x जीरो से बड़ा रखेंगे मॉडुलस के अंदर तो वही वैल्यू आ जाएगा। मतलब अगर x जीरो से बड़ा रखे टू तो इसका वैल्यू मॉडुलस के बाहर टू ही आएगा, अगर x के जगह अंदर में जीरो रखेंगे तो इसका मॉडुलस भी जीरो ही आएगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप क्या लेकर रख दीजिए, इफ x लेस देन जीरो रख दीजिए, अगर x लेस देन जीरो मीन्स की x नेगेटिव रख दीजिए आप, तो जैसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो आपको पता है कि जैसे ही मॉडुलस से बाहर आता है तो मॉड का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मीन्स की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मीन्स की जैसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, वो तो पॉजिटिव आता है। तो अगर x नेगेटिव हो गया तो इसके बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर चूंकि x नेगेटिव है तो बाहर हम x तो लिख नहीं सकते क्योंकि x तो नेगेटिव है, तो बाहर क्या लिखेंगे, माइनस x, क्योंकि पहले से x नेगेटिव है और माइनस मल्टीप्लाई तब पॉजिटिव होगा। तो उसी तरीके से कि जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू होगा माइनस x, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देखिए कि अगर अंदर में नेगेटिव है तो बाहर क्या आएगा, माइनस टू, तो ठीक है जो था x है तो x ही है, बट एक माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होगा ताकि ये फाइनल वैल्यू कितना आ जाए, टू आ जाए। तो ये होता है मॉडुलस का प्रॉपर्टी। यही चीज कुछ हम यहाँ पे और इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं इन चीजों का। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में हम देखें तो फर्स्ट नंबर में हम क्या कह सकते हैं कि सिंस अपने पास जो गिवेन है, जो फंक्शन गिवेन है उसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर हम ऐसा कह दें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, आपको पता है कि ये एक्स माइनस वाई कुछ भी हो सकता है, कि एक्स बड़ा हो तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, और एक्स छोटा हो तो नेगेटिव होगा। मतलब यही समझे कि अगर x माइनस वाई में अगर ये वाला बड़ा हो तब तो बड़ा में छोटा घटा तो पॉजिटिव रहा, और ये छोटा हो तो दोनों ही केस का बात करिए, अगर ये छोटा हो ये बड़ा हो तो नेगेटिव होगा। तो जो भी रिजल्ट्स होगा मॉडुलस का वैल्यू जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने पढ़ा रखा ना कि x के अंदर कुछ भी हो, x हो माइनस x हो कुछ भी हो, जीरो हो कुछ भी हो, ये हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x और y आप कुछ भी रख लीजिए तो ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। किसके लिए, कुछ भी आप यहाँ रियल नंबर रख लीजिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब बताइए ये चीज का वैल्यू क्या था भाई, यही चीज का वैल्यू तो था, यही चीज का वैल्यू तो था। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसको जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया क्या, कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई किसके लिए, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो ये हो गया प्रॉब्लम का सॉल्व, एक पार्ट हम लोग प्रूफ कर पाए क्या, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करा। सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना होता था, सेकंड में हमें ये प्रूफ करना होता था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर जीरो होता है तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि एक्स इक्वल टू वाई होगा, और अगर एक्स इक्वल टू वाई होता है तो ऐसा होगा। तो हम लोग दोनों चीज को कैसे प्रूफ करेंगे समझिए, इसके इस चीज को सेकंड को प्रूफ करने के दो तरीका है, कि पहले आप डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेकर के चलिए और दिखा दीजिए कि एक्स इक्वल टू वाई है, और दूसरा तरीका यह है कि एक्स इक्वल टू वाई लेकर के चलिए और दिखा दीजिए कि डी ऑफ एक्स वाई जीरो है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे, कैसे लेकर के चलते हैं, पहले कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई हम लेकर के चलते हैं जीरो, क्या मान लिया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। तो अब एक बात बताइए, ये चीज क्या इंप्लाई करेगा कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, तो जो फंक्शन का डी से वैल्यू है यहाँ पे, डी ऑफ एक्स वाई वैल्यू है उसको तो लिख सकते हैं ना आप, किसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू है जीरो। क्या बात हुआ समझिए, कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है मतलब क्या, यहाँ पे कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ, किसके जगह पे जो वैल्यू फंक्शन का दिया हुआ था कि ये चीज का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, मतलब समझ पाए कि ये चीज जीरो है, इसका मतलब क्या, इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि ये चीज ऐसा इंप्लाई कर रहा। और एक बात, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसके जगह पे हम डी ऑफ एक्स वाई भी तो लिख सकते थे, किसके जगह पे हम इसके जगह पे क्या कर दिए, इसके जगह पे डी ऑफ एक्स वाई लिख दिया, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर ऐसा है तो आप इधर से बैक भी आ सकते हैं, आया बात समझ में क्या, कि अगर ऐसा दिया था तो आप ऐसा लिख सकते हैं और अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम बोथ साइड इंप्लाइज लिख दिए। और आ गया ये, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसका मॉडुलस जीरो के बराबर होता है, क्या किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस जीरो के बराबर होता है क्या, नहीं। क्या किसी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस जीरो के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि क्या, जैसे कोई नेगेटिव ले लिया माइनस टू, इसका मॉडुलस क्या होगा, टू होगा। जैसे हम बोल दिए टू, किसी का पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो मॉडुलस जीरो नहीं होता, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। मतलब यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है इसका अगर मॉडुलस जीरो है तो ये इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अंदर में जो टर्म्स है एक्स माइनस वाई वो जरूर जीरो होगा, तभी इसका मॉडुलस जीरो है, क्योंकि इसके अलावा किसी का मॉडुलस जीरो नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस जीरो के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बात समझिए कि अगर एक्स माइनस वाई जीरो के बराबर है मतलब ये टोटल क्या है, जीरो है, और अगर ये जीरो है तो आप लिख सकते हैं कि इसका मॉडुलस जीरो होगा। क्या बात, कि अगर ये चीज है तो ये जीरो, ये एक्स माइनस वाई जीरो के बराबर, और अगर एक्स माइनस वाई जीरो के बराबर तो इससे आप बैक इंप्लाइज कर सकते हैं क्या, कि अगर ये जीरो है तो इसका मॉडुलस जीरो होगा, मतलब इधर से बैक भी जा सकते हैं। और आइए अब इससे क्या आगे बढ़ सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू ये, तो मतलब x इक्वल टू वाई हो गया,
और ये कैसे, ये चीज ये इम्प्लाई करके, और अगर ये चीज है तो आप इससे बैक भी जा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये चीज लिया और यहां से हम ये प्रूव कर दिया, दोनों साइड क्या है, बैक इम्प्लाइज का साइन है। तो हम क्या फाइनली क्या कह सकते हैं, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, बोथ साइड इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे किस तरीके से हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करा। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। बड़ा ही सिंपल है लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम है तो हम बहुत आराम से समझाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, तो आप लोग वहां पे अच्छे से समझ पाए। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है जी, हमें प्रूफ करना होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो आप बताइए यहाँ पे हम क्या डी ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं क्या डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स मॉड एक्स माइनस वाई। और अब आपको बहुत अच्छे से पता है अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन कर तो क्या आएगा, ये जो हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा वाई और ये होगा नेगेटिव। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको पता है एक बात क्या, कि सिंस माइनस एक्स का मॉडुलस निकालिए ये और या फिर एक्स का मॉडुलस निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब क्या, अगर माइनस टू का मॉडुलस निकालेंगे तो भी टू आएगा और टू का मॉडुलस निकालेंगे तो भी टू आएगा, मतलब माइनस एक्स का मॉडुलस और एक्स का मॉडुलस सेम होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि अगर वाई माइनस एक्स का मॉडुलस निकाला जाए या माइनस वाई माइनस एक्स का मॉडुलस निकाला जाए सेम होगा। मतलब इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स का मॉडुलस और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डी क्या लिख सकते हो आप इस चीज को, डी ऑफ वाई एक्स। कैसे लिखे हम इस चीज को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो स्टूडेंट एकदम शुरू से पेशेंस के साथ देख रहे हैं तो उन्हें तो ये बड़े अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्या किए डी ऑफ एक्स वाई से चलना शुरू किए तो मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये चीज हो गया, माइनस कॉमन किए यहाँ से तो क्या हो गया वाई माइनस एक्स हो गया। और चूंकि माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड, चूंकि हम यहाँ से इसका रीजन भी लिख दिया, सिंस मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल होता है, तो अब बताइए अब डी ऑफ वाई माइनस एक्स का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू एक्स माइनस वाई का वैल्यू एक्स वाई, तो वाई वाई एक्स का वैल्यू कितना। इस तरीके से तो फाइनली हमने डायरेक्ट देखा हमने कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये हो गया कंप्लीट प्रूफ। किसके लिए, अच्छा ये चीज किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू दिस, कब ये चीज के हम ये लिख सकते हैं किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये भी चीज जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर। चलिए अब एक अंतिम समझते हैं उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फोर्थ नंबर क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के लिए आपको तीन नंबर चाहिए होते हैं एक्स वाई जेड। तो हम चलिए मान के चलते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां, चूंकि आर के ऊपर डी डिफाइंड हो रहा है तो हम आर के ऊपर मान लें कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमें क्या प्रूफ करना होता था, आपको याद है हमें प्रूफ करना होता था कि एक्स डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या, देखिए एक्स वाई ले लिए तो क्या होता था, अब 1 3 2 3, मतलब कि डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड, यही ना हमें दिखाना होगा कि ये चीज ऐसा है। हम लोग कहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और दिखा देंगे वैसा होगा। कैसे, देखिए ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा। क्या हम लोग चलना शुरू करेंगे डी ऑफ एक्स वाई से चलना शुरू किए और इसका वैल्यू क्या है भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू है मॉड एक्स माइनस वाई, क्लियर है। ये किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आप देख सकते हैं ये चीज है। आइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्वॉल्व कराना है एक नंबर जेड, ठीक है, एक नंबर जेड आपको इन्वॉल्व कराना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कर ले एक्स माइनस जेड कर दें और प्लस जेड कर दें। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है डी ऑफ एक्स जेड लाना है, एक्स जेड डी ऑफ क्या लाना है, डी ऑफ देखिए यहाँ पे डी ऑफ क्या एक्स जेड लाना है। अगर इस चीज को हम इसके टर्म्स में बात करें, डी ऑफ एक्स जेड लाना है तो हम इसके टर्म्स में बात करें तो क्या कह सकते हो आप, क्या आना चाहिए था डी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड आना चाहिए, एक्स जेड तो मतलब मॉड एक्स माइनस जेड आना चाहिए, तो इसीलिए हम माइनस जेड कर दिए और एक बार प्लस जेड कर दिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से कि एक्स माइनस वाई था तो माइनस जेड किया प्लस जेड किया, और ये माइनस वाई था पहले से तो माइनस वाई रहने दिए। अब आइए थोड़ा सा ब्रैकेट कर लेते हैं हम, इस दो टर्म्स को पहले ब्रैकेट फिर अंतिम दो टर्म्स को ब्रैकेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो है वही चीज माइनस जेड प्लस जेड किए। अब आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत पहले से पता है कि जो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होता है ना, ये लेस देन इक्वल होता है किससे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, ये रिजल्ट मॉडुलस का ये जो है ये कैसे होता है, तो कल हम ये थ्योरम बताने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है वो हम कल के सुबह वाले सेमेस्टर टू के क्लास में डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में, तो आप लोग देख सकते हैं उस क्लास को सुबह 8 बजे, ठीक है, पब्लिक होगा यूट्यूब पे।
तो ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड प्लस मॉड बी होता है। तो अब क्या हम इस चीज का यूज करेंगे, तो ये पूरे हमारे लिए ए है फिर बी है, तो ए मॉड ए प्लस बी से बड़ा कौन होगा, मॉड ए की जगह क्या है एक्स माइनस जेड है, और ये क्या होगा प्लस मॉड जेड माइनस वाई। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग और आते हैं नीचे लिखिए, अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डी एक्स माइनस वाई को डी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स माइनस जेड को डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ जेड वाई लिख सकते हैं। आप फाइनली आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ से चलना शुरू करा था और बीच में लेस देन इक्वल है, तो क्या लिख सकते हो आप, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई कह सकते हैं या वाई जेड कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिमेट्री प्रूफ करा था कि डी ऑफ एक्स वाई जेड वाई और डी ऑफ वाई जेड दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्लियर। तो ये चीज था, तो अब हम क्या लिखेंगे, आपने देखा हमने चारों प्रॉपर्टी, ये नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी था, हमने चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करा दिया, तो हम यहाँ पे फाइनल क्या लिखेंगे, लिखिए एक लाइन लास्ट में लिखेंगे हम लोग कि दस ऑल द फोर पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, लिखिए एक लास्ट लाइन लिखिए, दस ऑल द postulates are satisfied, hence D is metric on R, hence D is metric on R and the pair RD is called and the pair RD is called metric space। आपको एक बात यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा और बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मैट्रिक स्पेस के लिए ये दोनों रिजल्ट्स हो, क्या बोल दिया जाए कि अब जरूरी नहीं है कि हर बार क्या बोल दिया जाएगा कि x d मैट्रिक स्पेस है, कभी कभी क्या बोल दिया जाएगा कि सीधे सीधा x क्या है एक मैट्रिक स्पेस है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि x अगर कोई मैट्रिक स्पेस है जरूर कोई ना कोई एक फंक्शन, जैसे कि हम क्या बोलते थे कि g कोई ग्रुप है, तो अब वहां पे अंडरस्टूड होता था कि जी कोई ग्रुप है तो जरूर कोई ना कोई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप रहा होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कभी कभी मिलेगा आपको देखने के लिए कि x क्या कोई मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस है जरूर कोई ना कोई फंक्शन के ऊपर होगा ये मैट्रिक स्पेस, समझ पा रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या बोला, देखिए इस चीज को यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए हमने क्या बोला कि दस ऑल द फोर पोस्टुलेट्स आर सैटिस्फाइड, हेंस डी इज मैट्रिक ऑन आर एंड द पेयर आर डी इज मैट्रिक स्पेस। और आपको हम कुछ और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन करा था, एक जो मैट्रिक डिफाइन करा था मैट्रिक स्पेस, बड़े ही स्पेशल टाइप्स का मैट्रिक स्पेस है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमेशा और हमेशा एक डिस्टेंस को बताता है। अगर आप जैसे कि यहाँ पे रख दीजिए डी ऑफ वन और टू रख दीजिए, रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डी डिफाइन था किसके ऊपर से था, आर क्रॉस आर से आर में था, तो ऑब्वियस है कि वन टू कहीं ना कहीं एक ऑर्डर पेयर आएगा, तो जैसे ही आप डी ऑफ वन टू रखेंगे तो पता है क्या आएगा, ठीक है, तो मॉड ऑफ वन माइनस टू क्या आ जाना है वन आ जाएगा, फाइनली वैल्यू माइनस वन होगा फिर उसका मॉडुलस वन आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि टू और वन के बीच का डिस्टेंस को नहीं बता रहा है कि यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वन। तो ये जो फंक्शन है इस ये जो मैट्रिक है यहाँ पे जो डी फंक्शन है ये एक स्पेशल टाइप्स का मैट्रिक कहलाता है, जिसे हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक, समझ पा रहे, या स्टैंडर्ड मैट्रिक कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा और हमेशा डिस्टेंस फंक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या बोला क्या कि दिस टाइप नोट या कह सकते हैं कि दिस इज नोट करके लिखिए कॉल्ड यूजुअल यूजुअल मैट्रिक स्पेस या फिर स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस लिख दीजिए, स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस। तो उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फंक्शन को बताता है, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस फंक्शन को बताएगा, लेकिन आगे हम लोग सीखेंगे अभी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक स्पेस के बारे में हम लोग बात करने वाले जहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस को नहीं बताता वो, लेकिन फिर वो डिस्टेंस फंक्शन इसलिए कहता है क्योंकि सारे वैल्यूज को पॉजिटिव देता है।
तो सबसे पहले आप लोग एक बार सारे लोग मतलब कमेंट करके बता दीजिए कि ये बात समझ में आ गया क्या। और आप खोजे जी कौन थे, क्या नाम था उनका जो कमेंट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अरे क्या नाम था आप लोग कमेंट करके बताइए जी। अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं। चलिए ठीक है एक बार हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हालांकि सारा चीज सही है तो अब ना हम लोग बहुत ही जल्द अपना एप्लीकेशन होगा, एक अच्छा सा अच्छे लेवल का एप्लीकेशन होगा जिसपे हम लोग लाइव क्लास एप्लीकेशन पे ही कर पाएंगे। तो कोई नहीं अभी टेंशन नहीं लेना है। और चलिए ठीक है तो हम आज का क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है कोई टेंशन नहीं लेना है, हाँ इग्नोर करना है बस, है ना। हाँ मॉर्निंग में तो जयदीप कह रहे हैं कि राम मुहूर्त को घर बुला करके पीटा जाए। नहीं नहीं अरे कोई नहीं, अभी तो देखिए हम लोग जितना अभी जितने स्टूडेंट को बाहर निकाले उतना तो डिसलाइक भी नहीं होता है। लगभग 10 स्टूडेंट को बाहर निकाले हैं सारे सेमेस्टर्स को मिला करके, तो 10 तो डिसलाइक भी नहीं होता है, तो टेंशन क्या लेना। चलिए ठीक है तो आज का क्लास बस ठीक है कोई बात नहीं यार, इग्नोर कीजिए उन चीजों को। तो ये बस यही था और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम करके रखे हुए थे, देखिए हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे आज के क्लास में बहुत सारा चीज डिस्कस करना था। देखिए एक क्वेश्चन ये है जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, एकदम सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को तय करना बनाना था। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आप लोग को जो आप लोग को घर में बनाना है। ठीक है ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये जो हम ऊपर जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल सुबह हम लोग क्लास करते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, सपना ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, इग्नोर करना है बस इन चीजों को। हाँ हाँ कल सुबह 6 बजे क्लास होगा। ठीक है और ये जो हम बताए ना यहाँ पे कुछ खास अभी क्लास हुआ नहीं, लेकिन जो भी हुआ एक डेफिनेशन हमने देखा, उसके बाद जो क्लास हो रहा है ये एग्जांपल्स आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं हम लोग, कर दीजिए।